चलिए जी रोजे इफ्तार करने, मेरा बैग किधर है? अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आदम्स फैमिली फन। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं, फर्स्ट क्लास हैं, मज़े में हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा रमदानुल मुबारक सेलिब्रेट कर रहे हैं। और इस दुनिया में जितने भी मुसलमान इस वक्त इस मंथ को सेलिब्रेट कर रहे होंगे, अल्लाह पाक उनकी और हम सब की तमाम मुश्किलात को दूर करे और सबसे ज़्यादा हमें इस कोविड की सिचुएशन से जितना जल्दी हो सके निजात दे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी आज हमारी है इफ्तार की दावत आदम के फ्रेंड के घर और यहाँ पर उसी की तैयारी चल रही है। बच्चों को आज एक्चुअली मैंने नए कपड़े पहनाने थे और नए कपड़े ये वाले इनके फुप्पो ने भेजे थे पाकिस्तान से, तो आज सोचा कि ये वाला पहना देती हूँ, लेकिन इसमें जो था वो इलास्टिक नहीं था, बट मैं अल्हम्दुलिल्लाह सोइंग का सारा ही सामान रखती हूँ और यहाँ पर मैंने बच्चों के कपड़ों में इलास्टिक डाल दिया। अब बारी थी सबसे मुश्किल काम, ये मुझे बहुत ही बुरा लगता है इस्त्री करना, बट समटाइम्स किस कोई कोई कपड़ा ऐसा होता है जिस पर करनी पड़ती है। तो यहाँ पर मैं अपना सूट और बच्चों के कपड़े और आदम के कपड़े, सभी के कपड़े जो थे वो आयरन कर रही थी और ऑनेस्टली मुझसे खड़े होकर बिल्कुल भी नहीं होती स्टैंड पर, तो मैं जो है प्रेफर करती हूँ कि मैं आराम से बैठ के तसल्ली से करूँ। और यहाँ पर बस अपना ड्रेस किया, बच्चों का किया और आदम का किया और इसके बाद बस थोड़ी सी देर मैंने नैप लेना था और फिर रेडी होकर हमने जाना था आदम के फ्रेंड के घर इफ्तार की दावत में। और ये आदम के बहुत ही क्लोज़ फ्रेंड हैं जिनके घर हम आज जा रहे थे, क्योंकि अभी जब से ये कोविड की सिचुएशन शुरू हुई है तब से बहुत ज़्यादा इस तरह की गैदरिंग्स हम लोगों ने नहीं की और पिछले साल तो बिल्कुल ही कोई रमज़ान की इफ्तार या कोई ऐसा दावत वाला सीन ना ईद पे था ना रमज़ान में था। बट अल्हम्दुलिल्लाह जैसे जैसे अब लोगों को वैक्सीन लग रही है वैसे वैसे अब थोड़ा थोड़ा जो जिनसे मिलते आ रहे हैं उनसे अब मिलने का सिलसिला जो है वो दोबारा से शुरू हुआ है, तो अल्हम्दुलिल्लाह उनकी पूरी फैमिली को भी वैक्सीन लग गई है और हम लोगों को भी बस अब सून वैक्सीन लगने वाली है। तो इस वजह से भी अब जो जो क्लोज़ फ्रेंड्स हैं उनके साथ थोड़ी बहुत जो गैदरिंग हम कर सकते हैं वो ज़रूर कर रहे हैं और इफ्तार का एहतमाम करना भी चाहिए क्योंकि इससे रिस्क में भी इजाफा होता है और मोहब्बत को भी फ़रोग मिलता है। तो इस तरह सोशल होने से और इस तरह की गैदरिंग रखने से हमारे जो बच्चे हैं उन पे भी अच्छा असर पड़ता है और डेफिनेटली हमें भी बहुत अच्छा लगता है जब हम किसी को इस तरह इफ्तार पे इनवाइट करते हैं या फिर कोई हमें इस तरह इफ्तार पे इनवाइट करता है। देखो कहाँ जा रहे हैं हम लोग? रोजा इफ्तार करने, रोजा इफ्तार करने फाद अंकल के घर पे। बी नेवर सॉलिड गाइस, मी टू, एंड लास्ट टाइम आई हैड ब्लड ओवर हियर सो आई कुडंट रियली लाइक। तो बस अब टाइम हुआ था इफ्तार का, हम लोग पहुंच गए थे थोड़ी देर पहले ही और यहाँ पर आप अल्हम्दुलिल्लाह मेन्यू चेक करें और ये सब बिनिश भाभी की मेहनत थी जो उन्होंने सब कुछ घर में और बहुत ही मेहनत से और बहुत ही मज़ेदार बनाया था। नो डाउट के इनमें से कोई चीज़ ऐसी नहीं थी जो मज़े की ना थी, बल्कि मैंने तमाम चीज़ें ही टेस्ट की थी और बहुत ही मज़े की इफ्तार की उन्होंने जो थी वो दावत हमारी की थी। खाना भी बहुत मज़े का था और हर चीज़ ही सुपर डुपर डिलीशियस थी, सो बहुत मज़ा आया और थैंक्स टू बिनिश भाभी जिन्होंने इतनी मेहनत से ये सारी चीज़ें बनाई और हम लोगों ने सब ने बहुत इंजॉय की। चावल गोट चावल ये पालक है लेकिन नमकीन को उसका जवाब नहीं था, बेहतरीन था वो है। रोज़ा इफ्तार करके हम लोग यहाँ पर चाय पी रहे थे और साथ में बातें कर रहे थे, तो उनकी बेटी ने मुझे अपनी पेंटिंग्स दिखाई। 12 साल की उनकी बेटी है और ये देखें इतनी खूबसूरत पेंटिंग्स उसने बनाई थी, आप सिर्फ कलर कॉम्बिनेशन चेक करें, मतलब दिल खुश होता है इस तरह का आर्ट देखकर। और उसने बहुत ही मेहनत से ये सारी चीज़ें बनाई थी तो मैंने सोचा कि मैं रिकॉर्ड कर लूँ और अपने ब्लॉग में भी डालूंगी। और यहाँ पर ईद से पहले ही अबा ने हम की ईद हो गई क्योंकि उनको मिल रही थी यहाँ पर ईदी। सो आई होप कि आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।